चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप सब लोग अपनी नई लाइफ के लिए नए साल से कुछ रिजोल्यूशन बनाना चाहोगे। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन सर्टेन रिजोल्यूशंस फॉर योरसेल्फ कि मैं ये चीजें करूंगा, ये नहीं करूंगा, डूज एंड डोंट्स, या मैं वादा करता हूँ ऐसे अपने आप को बदलूंगा। लेट्स वर्क ऑन सर्टेन रिजोल्यूशंस फॉर न्यू ईयर। We can write a summary or something like that. We can write a. You can write it and see how we can do better. Let's close our eyes, think हमें क्या क्या अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। What all we need to change in our life. सब जने एक लंबी सांस लो और आंखें बंद करो और एक मिनट के लिए अपने जीवन में जाओ और देखो क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है। वी विल बी मोर हैप्पी, वी विल बी नॉट जजमेंटल, वी विल इंट्रोस्पेक्ट आर अबाउट आर लाइफ। हम अपने जीवन के लिए ध्यान लगाएंगे, अपने जीवन का सोचेंगे, बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बाकी सब चीजें विल नॉट वर्क। व्हाई दे विल नॉट वर्क? क्योंकि अगर हम ठीक ही नहीं हुए, अगर हम रिकवरी नहीं हुए, तो कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। एक बीमार आदमी के लिए बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी है ना, पहले बीमारी से ठीक होना है। अगर हम बीमार हैं तो क्या हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? No, तो अब क्वेश्चन ये है कि रिकवरी है क्या? क्या रिकवरी केवल बीमारी से ठीक हो जाना ही है या उससे कुछ आगे भी है? व्हाट इज रिकवरी? ओके, सिस्टमैटिकली एंड टाइमली। Be happy. Follow the right schedule. Exercise. Yeah, stay away from toxic people also. Because aapke friends ho gaye jo aapko dobara bana sakte. Don't take honestly following your doctor. आराम से सोचो कि कैसे रिकवर हो सकते। सब जने खड़े हो, सब जने थ्री टाइम एक्टिवेट योर सिस्टम, थ्री टाइम एक्टिवेट योर सिस्टम। चुप, सब जने चुप, और आंखें बंद करो और डीप इनसाइड सोचो कि कहां पे गड़बड़ी हो रही है, हमारी रिकवरी में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन माय रिकवरी और इन माय बेटरमेंट? क्लोज योर आईज, सीधे बैठो सब जने, स्ट्रेट सिट, स्ट्रेट, टेक ए डीप ब्रेथ, अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपनी हवा पे केंद्रित करो, सांसों पे केंद्रित करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद, और अब सोचो मेरी लाइफ में, मेरी रिकवरी में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? व्हाई आई एम इन दिस सिचुएशन अगेन एंड अगेन? मैं अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता हूं। बाकी सब बदलाव तो तब आएंगे जब मैं अपनी प्रॉब्लम को मानूंगा। मैं तो एक ऐसे अजीब सी दुनिया में खो गया हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूं
और मेरे डॉक्टर और फैमिली मेंबर्स मुझे जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बीमारी की सबसे पहली जड़ क्या है? हम अपनी बीमारी के बारे में ना जानना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना बदलाव लाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बीमारी को तो मानना पड़ेगा, तभी तो रिकवरी के पाथ पे चलेंगे। कोई भी चीज करनी, कोई भी रास्ते पे चलना है, कुछ भी करना है, हमें उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग कौन करेगा? जो ये मानेगा कि मुझे ये काम करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं बस हो जाएगा खुद ही, मैंने कह दिया है, मैं अच्छा दवाई भी खा लूंगा, ये भी कर लूंगा, फिर थोड़े दिनों बाद आपको कंफ्यूज्ड होगे कि मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। तो अधिकतर बार क्या होता है, हम यहाँ पे एक वादा करके चले जाते हैं कि मैं सारी चीजें मानूंगा। वी प्रॉमिस वी विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन। क्या हम वादा करते हैं कि मैं सारी चीजों को फॉलो करूंगा, और हमें ये पता ही नहीं होता है क्या फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है। हमें ये लग रहा होता है कि ये लोग ही हमारे खिलाफ हैं, ये साजिश हो रही है, कुछ नहीं प्लानिंग हो रही है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, मैं तो जो कर रहा हूँ वो सही है, आप लोग समझ नहीं रहे हो मेरे को, ये तो जनरेशन गैप है, ये तो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही जीना चाहता हूँ, मेरी लाइफ ऐसे ही है, मैं तो जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं तो नहीं मानता सोशल दायरे को, मुझे जब करना होगा मैं करूंगा, मुझे दवाई खानी होगी खाऊंगा, डॉक्टर के पास जाना होगा जाऊंगा, हु इज डॉक्टर, आई हैव, मेरी अपनी जिंदगी है। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, हम गवर्न हो जाएंगे अपनी डिजीज से। वी विल बी गवर्न बाय आवर डिजीज, क्योंकि आपकी डिजीज ये चाहती है कि वो आपको कॉर्नर में करके और फंसा ले। रिकवरी से गवर्न नहीं होंगे, और डिजीज तो आपको एक कोने में ले जाके ऐसे फंसा देगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ऐसा किया क्यों। झगड़ा हो गया जी, क्यों हो गया? रिलेशनशिप खराब हो गए, क्यों हो गए? काम पे ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया जी? मुझे दवाई, मुझे नहीं खानी दवाई भाई की, तो मुझे जरूरत ही नहीं है, सब बकवास है। तो क्या होगा, हम वापस से अपनी डिजीज में गुम जाएंगे, और थोड़ी डिजीज होगी तो हम शायद मैनेज कर लेंगे, जब वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप तुलसी जैसी जगह में वापस पहुंच जाओ। तो दैट विल बी अ डिजास्टर। क्या होगा वो? तो प्लीज सबसे पहले अपनी बीमारी को इन डिटेल समझो कि आप यहाँ पे क्यों आए, क्या रीजन थे, क्या क्या हो रहा था, किस तरह से लाइफ में गलतियां हो रही थी, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। जब आप ये सब समझ लोगे तो आपका पाथ ऑफ रिकवरी स्टार्ट होगा कि भाई ये सब चीजों से बचने के लिए मुझे क्या सब कुछ करना है। मेरे पे किसी को एहसान करने की जरूरत नहीं, प्लीज मेरे लिए कुछ मत करना, मुझे नहीं किया, आप मेरे लिए कुछ करो, अपने लिए करो। कि आप कह रहे हो दवाई खानी है तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं कह रहा, बस मत खाओ, तुम्हारा मन जो मर्जी करो। आप कह रहे हो जी ये काम करो, भैया मत करो, तुम अपना जीवन देखो। यू ऑल सी योर लाइफ, डोंट गो बाय व्हाट आई से। अपने अच्छे बुरे का फैसला किसको करना है? आपको डॉक्टर की बात सुननी है नहीं सुननी है, ये किसका फैसला है? आपको लगता है डॉक्टर ठीक बोल रहा है, आपको लगता है डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, आपकी फैमिली डॉक्टर के कंट्रोल में आ गई है,
वो सब आपका फैसला है। मेरा फैसला, मुझे लगता है अगर आप ठीक होना चाहते हो, किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, तो बॉस मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अपनी बीमारी को इन डिटेल समझो, उसके रूप को समझो, डॉक्टर क्या फील करते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या फील करते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें बदलनी हैं, क्या चीज़ें दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, क्या चीज़ें आपके रूटीन से ठीक हो सकती हैं। ये सब चीज़ें तब काम करेंगी कि भाई मेडिकेशन कैसे, अपना आपको खुश कैसे रखना है। बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं ही बीमार हूँ, इजी थोड़ी होगा एक्सेप्ट करना। फिर शेड्यूल, अब हम दवाइयां दे रहे हैं, उससे हो सकता है आपको 12 घंटे नींद आए, आप कहोगे यार ये क्या पागलपन है, ये तो दवाइयां देके साला मुझे सुलाए जा रहे हैं, मैं शेड्यूल क्या फॉलो करूं। हो सकता है आपको डॉक्टर्स चाहते हो कि ये टॉक्सिन सब्सटेंसेस आप ना ले, मगर आपको लगता है लाइफ में इसके बगैर तो मजा ही नहीं आ रहा, या आपके रिलेशनशिप्स कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं, कुछ आपको एनकरेज कर रहे हैं टू गो इन टू रिकवरी, कुछ जिन्हें आपको डिजीज में फंसा के रख रहे हैं, आप किनके साथ जियोगे। सो सारा कुछ जो है, अगर हमें रिकवरी में जाना है तो बेस्ड ऑन दैट ओनली हमें सारी प्लानिंग करनी चाहिए। इट हैज टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन आर रिकवरी साइकिल, और अगर नहीं करोगे तो फिर हम रैंडम वर्क कर रहे हैं, बाय चांस आपकी रिकवरी भी हो गई तो फ्लूक से हो गई। देयर इज समथिंग अर्न्ड, मेहनत करके हमने ये पाया, वर्सेस बाय फ्लूक हो गई। अब तय कर लो बाय फ्लूक करनी है या अर्न करनी है। सो ऑनेस्टी का यहां पे बड़ा ट्रिकी सा पर्पज है, और वो पर्पज ये है कि आपको अपने आप को ठीक होने के लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज पर्टेनिंग टू योर रिकवरी। गड़बड़ी कहां पे? हम रिकवरी के लिए ऑनेस्ट नहीं है, हम बीमारी के लिए ऑनेस्ट जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, कह रहे हैं कुछ और होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं चीजों को। तो किस लिए ऑनेस्टी? भाई हमने वादा किया हम एक्सरसाइज करेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मतलब आप डिसऑनेस्ट हो गए सिंपली। आपने वादा किया यहां बैठ के कि मैं मेहनत करके अपने अंदर बदलाव लाऊंगा, और आप रूम में जाके बस टीवी देखते रहे या गप्पे मारते रहे, तो क्या हो गया? सो ऑनेस्टी डज नॉट मीन ए हरिश्चंद्र, ऑनेस्टी हियर मीन कि आप अपनी रिकवरी के लिए जो डिसीजंस ले रहे हो, प्लीज वो ईमानदारी से ले हो और उनको फॉलो करो। और डिसऑनेस्टी क्या है? कि आप केवल सोच ही सोच रहे हो, एक्शन नहीं। व्हाट इज ओपन माइंडेडनेस इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, इन टर्म्स ऑफ योर सो भाई देखो, हमारा दिमाग ना बड़ा पावरफुल है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम भी गलत हो सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं प्रूव करना चाहता कि आप गलत थे, आपने सही किया गलत किया, बट मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी मैं बात कर रहा हूं कम से कम सुन तो लो, अपने कान खुले करके, दिमाग खुले करके एटलीस्ट लिसन टू इट। प्रॉब्लम क्या है? वी आर क्लोज माइंडेड, हम बदलना तो छोड़ो सुनने को भी तैयार नहीं है। हम क्या सोचते हैं? हमें सब कुछ पता है, हमें पता है क्या करना है, एंड मैं अपने लाइफ में चेंजेस ले आऊंगा।
ये क्या है? दिस इज ए क्लोज माइंडेड। हमें अगर ओपन माइंडेड होना है तो हमें ध्यान से दूसरों की बात सुनने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। हो सकता है उसमें आपकी कुछ रिकवरी का संदेश हो सकता है, आपके लिए कोई डायरेक्शन हो सकता है, उस चीज से आप भलाई के रास्ते में चल पड़ो। आप लोग बात समझ रहे हो? सो वी हैव टू बी ओपन माइंडेड फॉर ऑल द डिस्कशंस एंड सजेशंस विद योर डॉक्टर, विद योर काउंसलर, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग, विद योर रिकवरी पार्टनर। क्या होना पड़ेगा हमें? से भी हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सुनने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, और हम दूसरे की बात सुनने की क्षमता होगी नहीं। एंड विलिंगनेस टू चेंज क्या है? जो हमें लग रहा है हमें बदलना चाहिए उसकी डिजायर और एफर्ट। अगर डिजायर नहीं होगी और एफर्ट नहीं करोगे तो क्या चेंज आ जाएगा? और अगर चेंज नहीं आएगा तो रिकवरी में रहोगे या बीमारी में? सो कहीं ना कहीं हमें विलिंगनेस टू चेंज होनी चाहिए। उसके लिए हमें डिजायर, एफर्ट एंड परसिस्टेंस, डिजायर, एफर्ट एंड परसिस्टेंस, बिकॉज हमारी बीमारी बार बार हमें खींचेगी और हम बार बार डिनायल में चले जाएंगे, डिसऑनेस्ट हो जाएंगे। एफर्ट एंड परसिस्टेंस, डिजायर, एफर्ट एंड परसिस्टेंस। तो क्या चाहिए हमें? पूरी पूरी ब्रेक लगानी पड़ेगी बॉल। एकदम से नहीं मिलने वाला, इट्स नॉट ड्रास्टिक शिफ्ट, इट्स ग्रेजुअली बिल्डिंग योर रिकवरी। तो अगर आप लोग कोई जना जल्दी में हो तो भाई आपको उतने ही गुना ज्यादा काम करना चाहिए। लेट्स से आमतौर से एक बंदे को रिकवरी में 3 से 6 महीने लगते हैं और आप कह रहे हो जी मुझे तो 15 दिन में चाहिए, फिर आप 6 गुना 8 गुना एफर्ट करो, वरना तो क्या होगा? यू नीड टू रीड, यू नीड टू ओपनली डिस्कस विद काउंसलर्स, यू हैव टू मेक लॉट ऑफ होमवर्क, यू हैव टू ट्रस्ट योर फैमिली, यू डोंट हैव टू बी एंग्री, यू हैव टू focus on your recovery all the time, you should sleep, eat, drink, only recovery. So please let's work towards your recovery. So one of the important resolution for somebody who is sitting in the hospital is that we have to work hard towards recovery. Agar humne nahi kiya effort or work hard to kya hoga? हम फंसे रह जाएंगे, फिर वही चीजें रिपीट करते रह जाएंगे। Does it make sense to all of you? Yes, sir. So let's work towards a better life in coming year. Sir, we have to bring nice. We can make a recovery like a goals also. तो हम सब लोगों को अब एफर्ट करना है टुवर्ड्स ए न्यू बेटर लाइफ इन 2023। डन? चलो जी, थैंक यू सर।